दुलारे ऐसे नरेंद्र भाई मोदी जी, गुजरात के सपूत, गांधीनगर के सांसद, जिनके निर्वाचन क्षेत्र में आज ये सब लोकार्पण हो रहा है, ऐसे हमारे केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह, अभी मोदी जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल में शामिल हुए और भावनगर के साथ जिनका पहले से रिश्ता है, ऐसे हमारे नए रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, हमारी गुजरात की बहन, सूरत की सांसद और रेल राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबहन जरदोस्त, गुजरात के हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री नितिन भाई पटेल, गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्रीमान सी आर पाटिल जी, आज गुजरात को आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों से विकास कार्य की माला भेंट स्वरूप में मिल रही है। पिछले डेढ़ दो साल से इस कोरोना काल के मुश्किल दौर में विश्व के कई राष्ट्रों में आर्थिक गतिविधियां, कामकाज, विकास स्थगित हो गया था। तब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में एक 125 करोड़ भारतीयों ने न झुकना न रुकना इस मंत्र से सबने साथ मिलकर विकास की गति, आर्थिक गतिविधि, सभी कारोबार को रुकने नहीं दिया। माननीय प्रधानमंत्री श्री ने कड़ाई भी और दवाई भी इस ध्येय मंत्र के अनुसार आज गुजरात को उनके कर कमलों से बहुविध विकास प्रोजेक्ट वर्चुअल माध्यम से भेंट मिल रही है। गुजरात में गांधीनगर में हमारी विधानसभा, हमारा सेक्रेटरियल, दांडी कुटीर, महात्मा मंदिर, अब ये गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन एक ही लाइन में विशेष रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। गुजरात की विकास यात्रा को उत्तम से सर्वोत्तम तक ले जाने में प्रधानमंत्री श्री की प्रेरणा और मार्गदर्शन से साकार हो रहे ये प्रोजेक्ट्स नए सीमा चिन्ह बनेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज गुजरात के विकास की चर्चा और तुलना देश के अन्य राज्यों के साथ ही नहीं किंतु विश्व के विकसित देशों के साथ होती है। गुजरात देश का ग्रोथ इंजन, मैन्युफैक्चरिंग हब और सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य बना है, जिसका मूल प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी ने उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान गुजरात की बुलंदी और बुलंद विकास इमारत को की जो नींव रखी है उस नींव में है। गांधीनगर बरसों से रेलवे सेवाओं से वंचित राजधानी थी। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने शुरू से ही सफर से अलावा व्यवसाय और आतिथ्य सत्कार को बढ़ाने के लिए। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक।